सन 2022 और 23 वर्ष की शालेय क्रीड़ा स्पर्धा का आयोजन किया जा रहा है। इस पर विस्तार से बात करने के लिए हमारे रिप्रेजेंट इंडिया न्यूज के जिला क्रीड़ा अधिकारी पल्लवी धात्रक मैडम से बात की, तो आइए देखते हैं हमारी यह खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिप्रेजेंट इंडिया न्यूज़ और मैं हूं मनीषा श्रीवास आपके साथ। सन 2022 और 23 के शालेय क्रीड़ा स्पर्धा का आयोजन किया जा रहा है, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है जिला क्रीड़ा अधिकारी पल्लवी मैडम। उनसे उनका पूरा परिचय लेते हैं और जानते हैं इस पूरे क्रीड़ा स्पर्धा के बारे में। मैडम, आपका रिप्रेजेंट इंडिया न्यूज़ में स्वागत है। आप इस स्पर्धा के बारे में क्या बताना चाहेंगे? थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल, शालेय क्रीड़ा स्पर्धा जो 22-23 के लिए होने जा रहा है वो दिवाली के छुट्टी के बाद शुरू होने वाला है और ये 93 इवेंट्स में होने वाला है। इसके दो पार्ट है, जो एक ग्रामीण के लिए होगा मतलब उर्वरित जिला के लिए होगा और दूसरा जो होगा वो मनपा स्तर मीन्स कॉरपोरेशन जोन में जो भी स्कूल्स आते हैं उसके लिए होगा। सो ऐसे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर 186 कॉम्पिटिशन का आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है। दो साल के बाद आफ्टर कोविड मतलब लंबा एक दौर होता है खिलाड़ी के लिए, क्योंकि एक खिलाड़ी अगर कोई चैम्पियनशिप लेना चाहता है इंटरनेशनल लेवल पे तो उसका एक दिन भी बहुत बड़ा या इम्पोर्टेंट होता है। तो दो साल के ये बहुत बड़े छुट्टी के बाद या मतलब लंबे गैप के बाद ये आयोजन होने जा रहा है। सो तालुका स्तर से लेके नेशनल तक या इंटरनेशनल तक का ये जो सफ़र है एक खिलाड़ी के लिए बहुत अच्छा और उम्दा जाए, इसलिए अपने डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिस नागपुर की ओर से आयोजन के लिए आज ही सुबह तालुका लेवल के लिए जो हमारे कोऑर्डिनेटर्स है उनका एक मीटिंग हुआ, जो 13 तालुका में काम करते हैं, तो उनको भी इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि ऑर्गेनाइजिंग के पार्ट में क्या क्या आप बारीक बारीक चीज़ों के लिए जैसे पानी ग्राउंड्स या पंच जो भी ऑफिशियल्स होते हैं वो, या ख़ास तौर पर जो भी गर्ल्स कॉम्पिटिटर है गर्ल्स खिलाड़ी है जो बेटी बचाओ का अपना एक मुहिम चल रहा है देश भर में, तो उनके लिए तालुका लेवल पे से लेके एक आयोजन में एक अच्छा वेलकम वो खिलाड़ियों का या गर्ल्स पार्टिसिपेशन के लिए होना चाहिए, ऐसी सूचनाएं दी गई है। डिस्ट्रिक्ट लेवल का जो भी आयोजन होगा वो सभी आयोजन में टेक्निकली पार्ट जो है सभी डिसिप्लिन के जो स्पोर्ट्स एसोसिएशंस है वो देखने वाले हैं, बट बाकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव कामकाज है वो डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिस के हमारे ये सभी तालुका स्पोर्ट्स ऑफिसर और कोचेस और हमारे जो लिपिक है ये सब देखने वाले हैं। तो एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट के बराबर ही टेक्निकल पार्ट में एसोसिएशंस जो है वेरियस उनको भी हम सभी जगह से सपोर्ट करने वाले हैं और ये आयोजन में भी कोई तरह की कमी या अभाव नहीं होना चाहिए, ये हमारा नियोजन में आयोजन में खास तौर पे ध्यान रहेगा। और डिस्ट्रिक्ट लेवल के आयोजन के लिए भी जो गर्ल्स पार्टिसिपेशन है प्लेयर्स है उनके आयोजन के लिए भी एक खास ऐसा वेलकम या फाइनल मैच में थोड़ा सा अलग सा प्रेजेंटेशन होना चाहिए, ये सूचनाएं हमारे सभी ऑफिसर्स को भी दी गई है। और जो छात्र जैसे प्रवेश अर्ज भरेंगे तो वो निशुल्क रहेगा या कुछ उन्हें पैसे देने पड़ेंगे? सी देयर इज अ ऑनलाइन सॉफ्टवेयर और ये ऑनलाइन सॉफ्टवेयर में भी जो रजिस्ट्रेशन होता है जो पर्टिकुलर प्लेयर आर नॉट डूइंग गोइंग टू डू इट वो होगा स्कूल की ओर से, जो स्कूल रजिस्ट्रेशन किया जाएगा वो ऑल ओवर स्ट्रेंथ के ऊपर वो खेल फंड या खेल की एक फीस दी गई हुई है। फॉर एग्जांपल 500 आपकी अगर स्कूल में स्ट्रेंथ है तो उसके लिए एक 350 का नॉमिनल शुल्क स्कूल भरेगी और पर प्लेयर का जो शुल्क है वो भी स्कूल ही भरने वाली है। तो ऑलरेडी प्लेयर्स आर गिविंग द फीस टू द स्कूल्स, सो वो ऐसा इंडिविजुअल कोई फीस भरना स्कूल को पड़ता है, बच्चों को नहीं पड़ता। और जो भी इसमें जो विजेता होगा और उसके रिजल्ट किस प्रकार से देख सकेंगे स्टूडेंट्स? एक्चुअली अभी तो अपने जो सॉफ्टवेयर में कोई ऐसा आपने ये किया नहीं है कि जहाँ पे फाइनल रिजल्ट जो है वो डिस्प्ले हो जाए। स्टिल आई एम गोइंग टू ट्राई टू डिस्प्ले द रिजल्ट ऑन द वेबसाइट विच इज़ nagpursports.co.in, इस पे हम फाइनल रिजल्ट डालने की कोशिश कर रहे हैं। बट वेरी सुन
माय ऑफिस इज़ कमिंग विद द न्यू सॉफ्टवेयर, जिसमें एक फिक्चर्स या ड्रॉज एसोसिएशन के साथ में मिला के सॉफ्टवेयर बनाया जाए, उसका अंतिम रिजल्ट फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड विद इन अ क्लिक मीन्स आपको सबको मिलना चाहिए, ऐसा हमारा एक प्रयास है। पर स्टिल अभी हम वेबसाइट पे या फिर हमारा जो मोबाइल ऐप बन गया है ये साल, उस पर हम रिजल्ट जो है फाइनल और डिस्प्ले करने का कोशिश करेंगे। स्पर्धा की मतलब अंतिम तारीख क्या रहने वाली है अर्ज के लिए? जो प्राइमरी एंट्री जो है रजिस्ट्रेशन की, उसका डेट है 5 नवंबर 2022। ये अभी हम 49 गेम्स के लिए कर रहे हैं जो ग्रांटेबल गेम्स है, पर अभी तक हमें 44 जो गेम्स हैं नए वाले, जिसका फाइनेंशियली एंड टेक्निकली वो तारीख हमने डिक्लेयर नहीं की है अभी तक, पर जो ग्रांटेबल गेम्स है उसके लिए 5 नवंबर का अंतिम तारीख होगा। जो ये स्पर्धा चलेगी तो कुछ लोग लाइव देखना चाहेंगे, तो उसके लिए कुछ आई विल ट्राई टू डू द फाइनल मैचेस ऑफ द फेमस गेम लाइक फुटबॉल या फिर बैडमिंटन कह सकते हैं, इवन आई वुड लाइक टू से कबड्डी, खो खो, जो बहुत रोमांचकारी सामने हो उनके, तो ऐसे आई वुड लाइक टू डू ऑन लाइव ऑन माय फेसबुक लाइव पेज, मेरा खुद का है, और एक इंस्टा पे मैंने नागपुर स्पोर्ट्स 2022 का एक पेज बनाया हुआ है ऑफिस का, तो उस पर भी मैं लाइव करने का ट्राई करूँगी। रिप्रेजेंट इंडिया न्यूज़ से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर द एक्सप्लोजर। थैंक यू। तो इस तरह से सभी स्टूडेंट्स क्रीड़ा स्पर्धा का लाभ उठा सकते हैं, और प्रवेश अर्ज की जो तारीख है वो भी मैडम ने बता दी है, तो आप भी जो खेल में रुचि रखते हैं वह छात्र इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसी के साथ आप देखते रहिए रिप्रेजेंट इंडिया न्यूज़। ऐसी ताजा खबरों की अपडेट के लिए आप देख रहे हैं री इंडिया न्यूज़। हमारे चैनल को लाइक करें, ज्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें।